आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा रैली का आयोजन किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी में वैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रभाव रहा है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक परिसीमन और पुनरारक्षण के पहले घनसौर विधानसभा क्षेत्र हुआ करती थी, वहां से विधायक हुआ करते थे। वैसे देखा जाए तो सिवनी का अगर हम आपको सिनेरियो बताएं, सिवनी का अगर आपको इतिहास बताएं सिवनी विधानसभा का, तो सिवनी विधानसभा में 7 बार भाजपा के, 7 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं, 1 बार निर्दलीय और 1 बार आरआरपी के विधायक सिवनी में रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा रैली निकालकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। यहां आप देख सकते हैं शहर के विभिन्न मार्गों से होकर पैदल रैली निकली। हमने आपको भारतीय जनता पार्टी की रैली भी दिखाई, कांग्रेस की रैली भी दिखाई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रयास यही है कि जो भी रैलियां निकलें उन रैलियों के बारे में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह जो भी रैलियां निकल रही हैं उन्हें, उन रैलियों को बिना किसी भेदभाव के आपके समक्ष प्रस्तुत करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहां पर आप देख सकते हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा भी बड़ी तादाद में उनके कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए। रैली में ये आपको रैली दिखाई दे रही होगी, रैली चली जा रही है, लोग आ रहे हैं। ये मुख्य चौराहे का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। 17 नवंबर को मतदान है विधानसभा चुनाव के लिए, अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें, बिना भेदभाव बिना दबाव पूरी तरह निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान जरूर करें, किसी के प्रलोभन में ना आए, स्वविवेक से मतदान करें। मतदान आपका नैतिक अधिकार है, इसलिए मतदान अवश्य करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। 17 नवंबर को मतदान है, अपने मतदान केंद्र में जाकर मतदान अवश्य करें। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की रैली आपको यहाँ निकलती हुई दिख रही होगी। इसके अलावा हमने आपको कांग्रेस और भाजपा इनकी रैलियाँ भी आपको दिखाई, जो अंतिम दिन निकली रैली और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की रैली एक दिन पहले निकली, 14 नवंबर की ये रैली हम आपको दिखा रहे हैं। लोग चले आ रहे हैं पैदल रैली, भाजपा की रैली भी पैदल थी, कांग्रेस की रैली भी पैदल थी। सिवनी विधानसभा क्षेत्र में हमने आपको बताया कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र में जो सिनेरियो था, जो मतदान के बाद परिणाम आए, उन परिणामों में 7 बार भाजपा, 7 बार कांग्रेस, 1 बार आरआरपी और 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी ने विजय श्री का वरण किया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की रैली यहां निकलते हुए आपको दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सभी अपने अपने तरह से लुभाने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, पर लोगों का कहना है कि जैसे जैसे मौसम में ठंडक घुल रही है, सियासी सरगर्मी उस तरह की नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ रैली निकलती हुई आपको दिख रही होगी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ये रैली, और इस रैली में युवा, बुजुर्ग, बच्चे सभी शामिल दिखाई दे रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। नई खबर लेकर, नई जानकारी लेकर एक बार फिर हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।